बोरावड़ में रामनवमी पर्व पर जैन मुनि चैतन्य कुमार ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस देश के लोग भाग्यशाली हैं कि वह उस देश में पैदा हुए जहां श्री राम ने जन्म लिया। श्री राम ने मानव जाति को सकारात्मक जीवन जीने का तरीका सिखाया, वह पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर है। श्री राम की नेकियाँ और शिक्षा स्वीकार करना किसी भी धार्मिक नज़रिए से गलत नहीं है। श्री राम भगवान महावीर, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, गुरु नानक किसी धर्म की जागीर नहीं, बल्कि ये सभी इंसानियत के धर्म का महत्व स्थापित करते हुए समस्त मानव जाति के कल्याण का सही मार्ग बताने वाले सदैव विभूतियां हैं। भगवान श्री राम एक व्यक्ति नहीं, चरित्र है। सभी धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है और रामचरित्र को विशेष स्थान दिया गया है। जैन, बौद्ध, वैदिक, यहां तक कि इस्लाम परंपरा में भी भगवान राम के चरित्र का पारंपरिक महत्व और स्थान दिया गया है। चैतन्य मुनि ने कहा कि भगवान राम का जीवन चरित्र ही धर्म है। भगवान राम अपने गुरु, पिता, भाई, संत, अनुचर, सहचर से कैसे व्यवहार करते हैं, धर्म को समझना हो तो उनके आदर्श को अपना लें और धर्म का पालन हो जाएगा, क्योंकि धर्म के सारे लक्षण भगवान के चरित्र में समाहित हैं। भगवान राम का जन्मदिन जिसको रामनवमी के रूप में मनाते हैं, भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनके जीवन से एक प्रेरणा लेने की बात होनी चाहिए। हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान राम जो अपने वचन के प्रति दृढ़ थे, मातृपितृभक्ति के प्रति दृढ़ थे और राम का भ्रातृत्व प्रेम और साथ में उनके प्रजापतिता बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। राम का महत्व न केवल जैन समाज में भी है, सनातन धर्म में भी है, सिख परंपरा में भी है। मैं तो यह भी कह सकता हूँ कि राम का महत्व इन सभी के साथ में इस्लाम परंपरा में भी राम का महत्व माना गया है। राम कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे। राम एक चरित्रवान पुरुष थे, इसलिए चरित्र की महत्ता सब धर्मों में मानी गई है। हम चाहते हैं कि रामनवमी के इस अवसर पर हर व्यक्ति राम के आदर्शों को अपने जीवन आत्मसात करने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से इसे यह रामनवमी या राम जन्मोत्सव मनाने के साथ तक आ पाएगी। वैसे जो भी महापुरुष हैं, चाहे राम हुए, चाहे कृष्ण हुए, चाहे महावीर हुए, चाहे बुद्ध हुए, सभी धर्मों में जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की जयंतियाँ केवल एक धर्म के आधार पर नहीं बल्कि मानवता के आधार पर, मानव धर्म के आधार पर उनके जयंतियों को मनाने का प्रयास होना चाहिए तथा उनके केवल नित्य धर्म के रूप में नहीं बल्कि पर्व धर्म के रूप में भी उनको माने तो साथ में नित्य धर्म के रूप में माने। भगवान राम का आदर्श चरित्र हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उस प्रेरणा को प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, ऐसा मेरा मंतव्य है। तो जिस तरह से इस्लाम धर्म में भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर के आपका अपना मत रहा है, उसी तरह से उदयपुरी पास में एक ऐसा स्थान है जहाँ मुस्लिम समाज धर्मावलंबी भी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं, क्या कौन सा स्थान है? ये उदयपुर से अहमदाबाद के रास्ते में क्षेत्र आता है केसरिया जी के नाम से और उसको ऋषभ देव भी कहते हैं। वहाँ पर एक प्रतिमा है भगवान ऋषभ की, उस प्रतिमा की पूजा जैन लोग तो खैर करते ही हैं, अन्य समाज के लोग भी आते हैं, खासकर वहाँ पर मुस्लिम समाज भी वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर उस प्रतिमा को आदम बाबा के रूप में उनकी पूजा करते हैं। वो बोलते हैं ये हमारे आदम बाबा है। इस प्रकार केसरिया जी या ऋषभ देव जहाँ पर वो प्रतिमा है वहाँ पर मुस्लिम लोग भी आते हैं, ऐसा मैंने देखा और सुना है। राम धर्म में और राम का जो संबंध रहा है, क्या संबंध रहा है और आज आधुनिकता युग में जिस तरह की भ्रांतियाँ जनता में, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, राम हिंदुओं के परम पुजारी तो है ही, लेकिन इस्लाम धर्म में कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि पुराणों में या इस्लाम धर्म के ग्रंथों में भी ऐसा सुनने को मिलता है कि राम एक ऐसे महापुरुष थे जिसके कारण उनको इस्लाम धर्म में स्थान दिया गया है। वैसे हमारे जैन धर्म में भी रामायण मिलती है, थाईलैंड रामायण भी मिलती है और विदेशों में कई ऐसी रामायण है जिसमें राम का बहुत ही राम के चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि कोई भी धर्म के और हर धर्म में राम की पूजा की गई है। राम एक व्यक्ति नहीं बल्कि चरित्र है और चरित्र की पूजा सभी जगह की जाती है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि राम का नाम केवल नाम के साथ नहीं जुड़ करके उनके चरित्र के साथ जुड़ा है, इसलिए सभी धर्मों में राम की महत्ता बतलाई गई है।
वर्तमान में जो युग है, आधुनिक युग है, जिसमें आर्थिक युग से जुड़ा युग है और मीडिया का इसमें विशेष प्रभाव देखा जा रहा है, मीडिया की भूमिका किस तरह से होनी चाहिए इस युग के अंदर? आज जो विश्व स्तर पर हिंसा का माहौल बना हुआ है, चाहे रशिया से यूक्रेन से संबंधित हो या और कोई किसी भी देश से संबंधित हो, इसमें मीडिया की भूमिका का एक विचारणीय प्रश्न है। मीडिया यदि हिंसात्मक घटनाओं को ज़्यादा प्रसारित न करके अहिंसात्मक शांति सौहार्द की भावनाओं को ज़्यादा प्रसारित करे तो अहिंसा को बल मिलेगा और हिंसा को कमजोर होना पड़ेगा। इसलिए मीडिया की अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है प्रचार प्रसार के माध्यम से। हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में भी यदि अहिंसा की भावनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है, आम जनमानस पर मीडिया का सीधा प्रभाव होता है। इसलिए मीडिया को चाहिए रामनवमी का दिन है, साथ ही हमारे 13 पंथ ब्रह्म संघ के आचार्य प्राण आचार्य भिक्षु का अभिनिष्क्रमण दिवस है। आज के दिन आचार्य भिक्षु ने एक धर्म क्रांति की, आचार क्रांति की, जिसकी फलश्रुति 13 पंथ। आज से 250 वर्ष पर पूर्व उन्होंने मेवाड़ की धरा पर क्रांति की थी। जब क्रांति हुई थी उस समय उनका अनेक प्रकार से विरोध भी हुआ, लेकिन विरोधों के झंझावातों में भी अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहे और इस प्रकार उन्होंने 13 पंथ का सूत्रपात किया। साथ ही साथ आज रामनवमी का दिन, भगवान राम जिनका जन्मोत्सव आज के दिन मनाया जाता है, भगवान राम जिन्होंने अपने जीवन में वचन की पालना, भातृप्रेम और मातृ की भक्ति के ऊपर अपना ध्यान आकृष्ट किया, उनके मन में प्रजावत्सलता का भाव था। भगवान राम एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको जैन बौद्ध सिख जहाँ तक इस्लाम धर्म में भी उनको महत्व दिया गया है। ऐसे भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा पूरा समाज व्यक्त करता है। साथ ही नवरात्र के अवसर पर एक अनुष्ठान यहाँ पर हुआ, उस अनुष्ठान का यहाँ समापन हुआ जिसमें अनेक भाई बहनों ने उसमें अपनी सहभाग्यता निभा करके लाभ लेने का प्रयास किया। हमारे छोटे संत मुनि सुबोध कुमार जी ने इस पूरे नवरात्र के अंदर अनुष्ठान का संचालन किया और सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से लाभान्वित होने का प्रयास किया था। इस प्रकार आज भगवान राम का जन्मदिन, आचार्य भिक्षु का अभिनिष्क्रमण दिवस हमारे धर्म संघ के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इस अवसर पर हम लोग भगवान राम के प्रति, आचार्य भिक्षु के प्रति अपनी श्रद्धा बहुत सही जगह पर फिट बैठती है कि इसी रामनवमी के पहले हम पूरे 9 दिन तक तैयारी करते हैं और अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। तो ये नवरात्रा का अनुष्ठान चला, यहाँ पर बोतरा के उपाश्रय में भगवान बाष्प और भैरव के धाम में जो 9 दिन शक्ति जागरण का उपक्रम चला, उससे प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हुआ है और ऊर्जा का अजस्र आनंद उठा रहा है और उससे अपने जीवन में परिवर्तन और वाइब्रेशंस प्रकंपनों के द्वारा जो अनुभव कर रहा है वह बहुत ही अनिवर्चनीय है। ओम अरहम। प्रश्न पूछा गया है, बल अधिक किसमें है, राम या रावण? उत्तर मिला रावण। ऐश्वर्य किसके पास ज्यादा था, राम या रावण? रावण में। बुद्धि किसमें ज्यादा थी, उसका भी जवाब है वह भी रावण में ही ज्यादा थी। रिद्धि सिद्धि संपन्न 3 लोकों में अपना परचम फैलाने वाला और शिव का महान भक्त, ज्ञान का अटूट भंडार कहलाने वाला रावण सब चीजों में अधिक था, फिर वह हार कैसे हुआ, फिर वह खत्म कैसे हो गया? राम तो ना बलशाली थे, ना इतने बुद्धिमान ज्ञानवान थे, ना रिद्धि सिद्धि संपन्न थे, फिर कैसे? ऐसा कौन सा तत्व है जो राम को अधिक बलवान बनाता है? तो आज रामनवमी के दिन ये समाज में पता लगना चाहिए कि राम के पास चरित्र था।